और मैंने आपको बताने मेरे मामा क्या करती हैं जब जब हम नहाने से पहले फिर और अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मन्हा की हेयर केयर रूटीन से। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे और थोड़ी देर के लिए परेशान भी हो गए होंगे कि मुझे क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे कि अगर आपने मेरी लाइव सुनी है तो उसके अंदर मेरे बहन भाई मुझे छेड़ रहे थे और सब छेड़ रहे थे कि मैंने वॉइस चेंजर ऑन किया हुआ था, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती हूँ तो डिफरेंट तरीके से बात करती हूँ और अपने घर में बात कर रही होती हूँ तो बड़ी वाइल्ड किस्म से बात कर रही होती हूँ। तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को भी थोड़ा सा डेमो दे दूँ, और आप लोगों ने इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मन्हारी जा के हेयर केयर रूटीन बताएँ, तो मैं कुछ भी नहीं करती इनके हेयर केयर के लिए। अभी ये नहा कर आई हैं तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि बस मैं इनके बाल कैसे सुलझाती हूँ। मैंने इसके अंदर लगाया था थोड़ा सा लव ऑयल, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था पहले और मेरे फर्स्ट व्लॉग में भी मैंने दिखाया था, और अब मैं स्प्रे कर रही हूँ थोड़ा सा हेयर एंड बॉडी स्प्रे। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एज़ अ कंडीशनर भी थोड़ा सा काम आ जाता है, और लव ऑयल जो है वो ऑलरेडी बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की कर देता है, तो शाइनी तो हो जाती है लेकिन चिपचिप नहीं होते बाल उससे ना। वैसे अगर आप हल्का सा ऑयल भी लगाएं तो बाल जो है वो थोड़े से चिपचिप हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ जनाब, मैं कर रही हूँ मन्हा के बाल हेयर ड्राई, और ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि रात थी थोड़ी सी और सोने का टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि चलें मैं जो हूँ ना नीचे नीचे से बस ड्राई कर दूँ। आप देखें कि मैं इसकी जड़ों में बिल्कुल भी हीट नहीं लेकर जा रही, और सिर्फ जो बालों के नीचे जो मतलब हम लोग भी अच्छा खासा बंदा भी सुबह उठता है तो नीचे जड़ें जो हैं वो गीली होती हैं हमारे बालों की, निचली साइड जो होती है, ऊपर से तो सूख जाती हैं लेकिन नीचे से नहीं सूखते। तो मैं बस हल्का हल्का सा वो ड्राई कर रही थी, और नीचे से मैंने कहा चलें साथ ही चुटिया कर दूँ, क्योंकि अगर अभी खुले छोड़ दिए तो इन्होंने जो दुनिया जहान की चॉकलेटें और गमीज़ और पता नहीं क्या क्या चिपका लेना बालों में, फिर बेड़ा गर्क हो जाना है और फिर मेरी मेहनत ज़ाया हो जानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि जब भी आप नहाने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि पहले आप कंडीशनर लगा लें। 10-15 मिनट के लिए आपने कंडीशनर लगा के रख लिया, उतनी देर में आप अपनी बॉडी वगैरह वॉश कर लें और उसके बाद फिर आपने शैम्पू करना है। और ये ट्रिक आजमाने के बाद आपने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके बालों को कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं। छोटी सी टिप। अच्छा जी, खैर तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी जल्दी चुटियाँ कर दूँ इसकी, और वीडियो काफ़ी तेज़ चल रही है और मैं भी बहुत तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि मैं सोने का टाइम है, मुझे बड़ी सख्त नींद आ रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। दूसरी बात कि जब आप लोग नहा के निकलें ना तो फ़ौरन अपने बाल बांध लें। फ़ौरन अपने बाल बांधने से ये होगा कि जैसे मेरे बालों में सुबह उठ के बम फटा होता है ना, वो नहीं फटेगा। क्यों, कभी इसका दिल करता है तो मैं फ्रेंच ब्रेड कर देती हूँ, कभी इसको पसंद है एना की ब्रेड जो कि एक साइड पे होती है। अगर आप लोगों ने फ्रोज़न देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि एना की चुटिया कैसी होती है। तो बस इसके यही छोटे छोटे से शौक़ हैं। वैसे तो ये सारा दिन अपना छाटा खिला के फिरती रहती है, लेकिन जब मैं नहला धुला के इनको बिठाती हूँ तो मुझे होता नहीं यार थोड़ी देर बच्चे जो है ना वो सुथरे बैठ जाएँ। मैं क्योंकि बिल्कुल भी उस टाइप की बंदी नहीं हूँ कि अपने ऊपर टोटके आजमाऊँ, ये करूँ वो करूँ, या बच्चों के ऊपर जिस तरह ऑनियन ऑयल होता है और ये वह इस तरह से, उसके लिए मैंने जो लास्ट वीडियो में फ़रा को रिकमेंड किया था आप लोग उसकी वीडियो देख लें, नताशा वकास की देख लें, शुमाइला हसाम की देख लें, मरियम परवेज़ की देख लें, ममूना मुस्लिमा की देख लें, आप लोगों को फ़ायदा होगा, मुझसे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो बारी आ गई है रिजा की हेयर केयर रूटीन की। तो रिजा की भी सेम वही हेयर केयर रूटीन है मन्हा की जिस तरह की थी, लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटी सी मैं जो हूँ वो चेंजिंग ये करती हूँ कि कंडीशनर वाला जो स्प्रे है वो मैं पहले नहीं लगाती, इसकी पोनी करने के बाद लगाती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह इसके बाल लंबे हैं तो उस वो जब इसकी चुटिया हुई हुई होती है और इसको बहुत शौक है, इसको देख देख के इसकी नानी ने भी जो है वो चुटिया बनानी शुरू कर दी। हालाँकि छोटे बाल हैं उनके, लेकिन उनको होता है कि नहीं मेरी जो रिजा है वो लेट इट गो, रिजा जो है इसको लेट इट गो चुटिया कहती है, तो लेट इट गो की है तो मैं भी जो हूँ वो लेट इट गो करके रखूँगी। बस रिजा के भी इसी तरह से, रिजा के बाल थोड़े से संभालने मुश्किल होते हैं, इसको इतनी दफ़ा कहा है कि चलो रिजा आपके थोड़े से बाल ट्रिम कर देते हैं, काट देते हैं और ताकि आपको संभालने इजी हो जाएंगे, तो कहती है कि नहीं मामा मुझे लेट इट गो पसंद है, मैंने रुपंजल बनना है। हमने कहा ठीक है जी बन जाओ रुपंजल।
तो रिजा के भी मैं इसी तरह से हल्के हल्के नीचे से बाल जो हैं वो ड्राई कर रही हूँ। इसके थोड़ी सी मुश्किल काम होता है इसके बालों को हैंडल करना, और वैसे भी अगर ये एक दिन भी जो है वो कंघा नहीं कराएगी अपने बालों में, खोल के छोड़ेगी, या इवन के अगर इसके बाल बंधे हुए भी होंगे और ये कंघा नहीं करवाएगी तो इसके बहुत ज़्यादा टैंगल्स पड़ जाती हैं। उसका रीज़न मुझे नहीं पता, इसके बाल थोड़े से हल्के हैं लेकिन टैंगल्स बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं इसकी। मनहा के बाल माशाल्लाह मोटे और घने हैं, रिजा के बाल माशाल्लाह लंबे हैं, तो इसलिए मैं जो हूँ उसकी कमर पे भी हल्का हल्का सा ड्रायर मार रही हूँ ताकि उसकी शर्ट सूख जाए। और क्योंकि बाल तो उसके सूख गए हैं लेकिन शर्ट उसकी गीली थी, मैंने कहा यार बेचारी को सर्दी लगती रहेगी, तो थोड़ा सा हम जो है इस तरह से करते हैं इसका जो है ना शर्ट वगैरह इसकी मैं सुखा देती हूँ, या तो इससे उतरवा के इस्त्री बनवा कर देती हूँ इसकी शर्ट एक दफ़ा, तो वो सूख जाती है। लेकिन अभी वीडियो बन रही थी और आप लोगों को मैं वेट नहीं करवाना चाहती थी, इस वजह से मैंने हेयर ड्राई, और आपको पता है हेयर ड्राई से आप ईज़िली जो वो अपने कपड़े फटाफट इस्त्री भी कर सकती हैं, और ये सच है। वाकई एक दफ़ा मैंने किया था इस तरह से कि इस्त्री दूसरे रूम में पड़ी थी और वहाँ पर गेस्ट सो रहे थे, तो मैंने हेयर ड्राई लेके अपनी जो है वो कॉटन की कमीज़ हल्का हल्का पानी लगा के उसके साथ, मतलब बिल्कुल आपने उसके ऊपर रख देनी है कपड़े के ऊपर और फिर आपने जो है ना उसको करना है, तो वो हो जाएगी इस्त्री। तो ये एक ट्रिक है जिससे मैं अपने बालों के टैंगल्स निकालती हूँ कि आपने अपनी उंगलियों के दरमियान में बालों को फंसाना है और अपनी उंगलियों के ऊपर हेयर ब्रश मारना है, आपने नीचे वाली साइड पर नहीं ऊपर, सिर्फ आपकी उंगलियों के ऊपर हेयर ब्रश आना चाहिए, ऊपर से बाल आपने नहीं लेने। तो वो जितनी जितनी टैंगल्स होती जाएंगी वो ऐसा ऐसा से खुलती जाएंगी, और रिजा की भी मैं जो हूँ यही ट्रिक यूज़ करती हूँ। मेरे जो नीचे वाले बाल हैं, आई थिंक आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोगों के इसी तरह ही होता होगा कि जिनके घने बाल हैं उनको पता होगा, या जिनके थोड़े से लंबे बाल हैं, मेरे घने भी हैं माशाल्लाह और लंबे भी हैं, इसका भी मैं आपको बताती हूँ क्या राज है। क्योंकि मेरे लंबे हैं तो मेरे जो है ना वो नीचे ऐसे गिरें बन जाती हैं अगर मैं कंघा ना करूं, तो होता है यार माएँ हैं हम लोग, थोड़ा सा अपने आप पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं हर वक्त होता हमारा, तो इस तरह से हो जाता है कि बाल जो हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। इवन के विटामिंस वगैरह तो मैं लेती हूँ इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। बच्चों का आ रहा है डेली रूटीन व्लॉग, डेली रूटीन तो नहीं कह सकते क्योंकि हमारी बिल्कुल पाकिस्तान वाली रूटीन है, यहाँ पर भी कहने को हम US में रहते हैं लेकिन है हमारी पाकिस्तान वाली रूटीन, कि हमें कल का नहीं पता होता कि कल हमारी ज़िंदगी में क्या एडवेंचर होगा, बिल्कुल भी रूटीन वाइज नहीं है जैसे यहाँ पर रहने वाले लोगों की होती है कि सुबह 7 बजे उठना है, रात को 8 बजे सो जाना है। बहुत सारे लोग 10-11 बजे भी सोते हैं लेकिन हम लोग सुबह 2-3 बजे तक जागते हैं, कोई फ़ख्र की बात नहीं है लेकिन कुछ काम की नोयत इस तरह की होती है और कुछ जो है वो आदत होती है। तो अपने बालों का मैं आपको बताऊं कि मेरे बाल माशाल्लाह इतने लंबे थे, घुटनों तक आते थे, और सब पूछते थे कि कौन सा शैम्पू यूज़ करते थे, उनको कहते पैंटीन यूज़ करती हूँ। जब मैं, मुझे याद है कि जब मैं छोटी सी भी थी तब स्कूल में हर बंदा पूछता था कौन सा शैम्पू यूज़ करते, कौन सा शैम्पू यूज़ कर दिया, और इवन के स्कूल में जो शैम्पू की एड के लिए हमने एक कैंपेन की थी उसमें भी उन्होंने मुझे जो है वो रखा था बालों की वजह से, और मेरी अम्मा कहती थी कि तुम्हारे अंदर है कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे बाल ही हैं जो तुम्हारे अंदर खूबसूरत लगते हैं। अब तो कहती हैं हमारी सदके जाती हैं, जब से शादी हो गई है पता माएँ इसी तरह होती हैं, उससे पहले जो है वो कोई मुंह नहीं लगाता था घर में। इसी तरह से ही जो है वो मैंने आपको शायद स्टोरी बताई थी अपनी लाइफ में कि मेरी एक नेबर हैं, वो कहती हैं कि आप तो इतनी एटीट्यूड वाली लगती हैं ये वैसा, लेकिन हैं बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार एटीट्यूड वाला वो बंदा होता है जिसके अपने घर में इज्जत होती है, मेरी अपने घर में कोई इज्जत नहीं है, तो मुझे मैंने क्या करना किसी और को एटीट्यूड दिखा के। तो ये बात है, और अब माशाल्लाह से मनहारिजा का भी मैं पैंटीन ही यूज़ करती हूँ और इनके बाल बहुत अच्छे हैं, खुश्की हो जाती है इनके बालों में, लेकिन ये जो मैं लव ऑयल लगाती हूँ उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, जब मैं नहीं लगाती तो बाल काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। कुछ मौसम का भी अफेक्ट होता है, पाकिस्तान जाकर हमारे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, और इन मुल्कों में सऊदीया में अमेरिका में रहकर यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर हमारे बाल थोड़े से ड्राई और रफ़ हो जाते हैं। यही थी आज के बच्चों की हेयर केयर रूटीन, उम्मीद आपको पसंद आई होगी, आप लोगों ने इतना वेट किया सॉरी इतना कुछ नहीं था इसमें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़। और यस, नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग है बच्चों की डेली रूटीन, मतलब कि बच्चों के पूरे दिन की रूटीन। और आटा मैंने गूंथ के रख दिया था, मैंने जल्दी अल्लाह हाफिज़ कर दिया।
चलें थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। आटा मैंने गुन के रख लिया था, रोटियां बना ली थी, माश की दाल बनाई थी, बच्चों को खाना खिला रही थी। मनहा बहुत सुस्त है, मनहा 10 घंटे लगाती है खाना खाने के लिए। आप लोग भी मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप लोगों की भी बड़ी वाली औलादें आप लोगों को इसी तरह से तंग करती हैं कि खाना बहुत लेट खाती हैं, बहुत ही सुस्ती से खाती हैं। और जो रीजा है वो माशाल्लाह खुद से खा लेती है, इवन कि सुल्तान का भी खाना ख़त्म हो जाता है, दस्तखान भी उठ जाता है, मनहा साहिबा का खाना नहीं ख़त्म होता। चलें अब मैं करती हूँ पक्का वाला अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा वेलकम। आज मैं किसी को शाउट आउट नहीं दे रही क्योंकि ये बच्चों की छोटी सी वीडियो है, ये इतने लोग देखते नहीं हैं, तो मैं अपना शाउट आउट वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आएँ उस वीडियो में मैं शाउट आउट्स दूँ, तो आज कोई शाउट आउट नहीं। और जिनको मैं देती हूँ बहुत खुले दिल से देती हूँ, मेरी वीडियो पर रेगुलर रहें। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पर रेगुलरली कमेंट करें, लाइक करें, फुल वॉच करें। इंशाल्लाह आपका भी मैं नाम लूँगी जल्दी। और मेरी तरफ से अब पक्का वाला हाफिज़।